दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि BBA कोर्स कितने साल का होता है, यानी कि BBA कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, BBA कौन कर सकता है, BBA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BBA कोर्स से रिलेटेड इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म की। BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। दोस्तों, BBA करने के बाद आप MBA कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, तो आप आफ्टर BBA आप MBA कोर्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं एंड MBA भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि BBA कोर्स कितने साल का होता है, यानी कि BBA कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, तो BBA कोर्स 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इसकी जो ड्यूरेशन है, यानी कि BBA कोर्स की ड्यूरेशन 3 ईयर्स होती है, 3 साल होती है। अगर हम बात करें सेमेस्टर्स की, तो BBA कोर्स में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि टोटल 6 सेमेस्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कि 1 सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ। इस तरीके से 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। इस तरीके से BBA कोर्स 3 साल का होता है और 6 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि BBA कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, यानी कि BBA करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप BBA कोर्स को करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप BBA कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।